स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पाकिस्तान आए। 7 ग्रेड की बोल्डनेस ही आप दे सकते हैं। फुल गंजे थे, वीक डोनर एरिया से चैलेंज के साथ फुल डेंसिटी के साथ अच्छी हेयर लाइन और वीक डोनर एरिया से तकरीबन 6000 प्लस जो है वो ग्राफ्ट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेंसिटी के साथ। और ये मुझे फॉलो कर रहे थे, पाकिस्तान में आए थे, इनका तल्लक लाहौर से है। स्पेशली हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए गए। जब आपको अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिल रहा हो, जब आप अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हो, तो सफ़र को ना देखें, क्योंकि लाइफ में आपने एक दफ़ा ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना होता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया और 20 दिन पाकिस्तान में मुझे आके फॉलो करते रहे और क्लिनिक से टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी इनको अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट। आप इनका ये वीडियो भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ भी बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने मेरा भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अब इनको लाइफ में दोबारा सेशन की ज़रूरत नहीं है। वीक डोनर एरिया से 6000 प्लस जो है वो ग्राफ्ट लिए गए हैं और पूरा एरिया कवर किया गया है। अब लाइफ में इनको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। इनको बाहर की अच्छी मेडिसिन रिकमेंड करूँगा और इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान की लोकल मेडिसिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बाहर की जो मेडिसिन है वो मैं इनको रिकमेंड करूंगा। और ये जब यूज करेंगे 4 से 5 महीने तो डेफिनेटली इनका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सफर ना देखा करें, पैसे मत देखा करें, ना सफर देखा करें, ट्रैवलिंग करें, चाहे पाकिस्तान से एक कोने से पाकिस्तान के दूसरे कोने आपको जाना पड़े, क्योंकि लाइफ में एक दफा ये ट्रांसप्लांट होता है। पैसों पर कॉम्प्रोमाइज मत किया करें। अगर आप 40-50 हजार में 60-70 हजार में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो उसको बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, बाद में आपके डबल पैसे लगते हैं, आपका डोनर एरिया भी आप कर देते हैं क्लिनिक वाले, और लाइफ में द सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की जो ऑप्शन खत्म हो जाती है। या सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट का अगर आपको कोई साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो उसको ठीक करवाते करवाते भी 4 से 5 लाख रुपया आपका लग जाता है। तो इसलिए एक दफे अच्छा फैसला करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा सफर से डरते हैं कि हम बहुत दूर जाना पड़ेगा। जब मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, अपनी पूरी रिसर्च की थी और तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। और उसके बाद दूसरी दफा जब मैंने करवाया था तकरीबन 400 किलोमीटर मैंने फासला तय किया था। तो इसलिए तकरीबन जो मेरा 2 दफा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, 2 दफा जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और मेडिसिन कॉस्ट डाल के, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल के, वो तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। 2 दफा हेयर ट्रांसप्लांट की 5 लाख रुपए मेरी कॉस्ट आई है। तो आज मेरा आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कि मैं